ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम हिमांशु जोशी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं निकला हूँ सफल इंडिया टूर पर 131 दिन, 131 शहर, 131 ट्रेनिंग। आज 12 फरवरी 2020 है और रत्नागिरी में ट्रेनिंग थी। फिर वहां से कोल्हापुर वाला हाईवे पकड़ के बॉम्बे जाने का प्लान। ऑन द वे ऐसा डिसाइड किया कि पूना में नाइट हॉल्ट करेंगे। पिंपरी चिंचवाड़ में हूँ अभी, मैं नाइट हॉल्ट करूंगा। फिर यहाँ से द्वादश ज्योतिर्लिंग में से जो भीमा शंकर है महादेव मंदिर, वहां पे कल दर्शन करके फिर बॉम्बे जाऊंगा। और ये मैं जब नासिक से पूना आ रहा था तब रात को लेट होने की वजह से वहां जाना रह गया था। तो भोलेनाथ बोले तो ऐसे कैसे रह गया भैया, मिलने आना पड़ेगा। तो दो लोगों को भेजा वहां पर बुलाने के लिए और वो दोनों लोगों को पटना से भेजा है ना। तो मेरे साथ विनय जी हैं, विनायक जी हैं, विनायक जी पटना से आए हैं और विष्णु जी हैं, ये पटना से आए हैं। विष्णु जी पटना में मेरा सेशन मिस कर गए थे, तो बहुत बार कोशिश की कि कुछ और लोकेशन पे साथ हो पाए। फाइनली रत्नागिरी, ये पटना से फ्लाई करके बॉम्बे, बॉम्बे से ट्रेन पकड़ के रत्नागिरी आए और रत्नागिरी से आज मुझे ज्वाइन किया। साथ में हम लोग ड्राइव करते हुए गाड़ी में, तो टाइम भी मिला एक्सक्लूसिव और काफी सारी बातों पर चर्चा भी हुई। अभी यहाँ पर डिनर करते वक्त कुछ टॉपिक निकला तो मुझे लगा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और मेरी फेवरेट चीज है। आप लोगों को पता है, जो मुझे जानते हैं अच्छे से, मैं मूवी बेस्ड ट्रेनिंग करता हूँ और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि पूरी दुनिया में मैं एकमात्र ऐसे व्यक्ति हूँ जो मूवीज के ऊपर ट्रेनिंग करता है। और जब मैं बोलता हूँ मूवीज बेस्ड ट्रेनिंग, मूवीज बेस्ड लर्निंग मेथोडोलॉजी, तो उसका मतलब क्लिपिंग्स नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, शॉर्ट पार्ट्स ऑफ द मूवी नहीं है या एट स्ट्रेच ऑफ मूवी नहीं है। आई एम द ओनली पर्सन जो डायलॉग टू डायलॉग, फ्रेम टू फ्रेम, सीन टू सीन मूवीज के ऊपर ट्रेनिंग करता हूं मैं। मेरे YouTube पे काफी सारे कुछ ट्रेलर मिल जाएंगे आपको क्या करते। बाहुबली के ऊपर मेरे पास 16 घंटे का सेशन है। लगान मूवीज के ऊपर मैं 18 घंटे का सेशन करता हूं। मेरा सबसे बड़ा सेशन ब्लैक मूवी के ऊपर है, 90 घंटे का सेशन सिंगल ब्लैक मूवी पे करता हूं मैं। ऐसी 226 फिल्में हैं जिनके ऊपर मैं ट्रेनिंग करता हूं। आई एम द ओनली पर्सन ऑन दिस अर्थ, ऐसा मैं कहता हूं और अभी तक कोई और दिखा भी नहीं है। जो मेथोडोलॉजी मैं यूज करता हूं, ऐसा कोई नहीं करता। आई एम द ओरिजिनेटर ऑफ दिस मेथोडोलॉजी, जिसको मैंने एच फैक्टर नाम दिया है। So, अभी चर्चा चल रही थी, विष्णु जी ने पूछा कि आप किससे प्रभाव, किसको फॉलो करते हैं। मैं बड़े दिल से बताता हूँ फ्रेंड्स, इस सवाल, मुझे लगा इस सवाल का जवाब मैं आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैं पर्सनली इस चीज में बिलीव करता हूं कि फॉलो मत करिए, किसी को फॉलो मत करिए। पसंद कर सकते हैं आप नापसंद कर सकते हैं, आप प्रभावित हो सकते हैं किसी से, लेकिन फॉलो करना मेरी फितरत में नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं फॉलो करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं और इस मायने में आप मुझे गांधीवादी कह सकते हैं। मेरा गांधी जी के ऊपर भी सेशन है, कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। 2 अक्टूबर को एक बार मैंने बड़ौदा में सेशन किया था, अनफॉलो गांधी, ठीक है। तो 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन सेशन कर रहा हूँ। गांधीवादी लोगों के लिए ट्रस्ट था गांधी जी के फॉलोअर्स का, और उसमें उनके लिए सेशन किया और टाइटल रखा था अनफॉलो गांधी। तो भड़क गए थे लोग, अरे सब आप सेशन हमारे, हम लोग गांधी संस्था कर रहा है और आप अनफॉलो गांधी रखते हो ना, बिल्कुल उसके पीछे कारण है। देखिए गांधी जी के ऊपर एक सेंटेंस, इसके बाद इसके बारे में पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं, मेरी बड़ी इच्छा है। एक चीज मैं आपको बताऊं, गांधी जी ने, अच्छा वो संस्थक ने जो बोला, करे आप इस टॉपिक पर लेंगे सब भड़क जाएंगे, मैंने कहा कि अब तो मेरा, मैं इसी टॉपिक पर करना चाहूंगा ट्रेनिंग। जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बोला नहीं बुलाना तो आपको, ये बड़ी टॉपिक कुछ भी हो। तो गांधी जयंती के दिन बड़ौदा में सेशन हुआ था और वहां पर मैंने बताया कि आप जो लोग बैठे हैं ये तो गांधीवादी बिल्कुल नहीं है। तो भड़क गए लोग और पूरी जिंदगी गुजार दी गांधीवाद गांधीवाद करते और आप हमको बोलते हो गांधीवादी नहीं। मैं आपको कारण बताता हूँ। मेरी जो ट्रेनिंग फिक्स हुई थी, मेरा जो सेशन फिक्स हुआ था विष्णु जी उस संस्था ने किया था, उसके लिए उन्होंने 2-3 बार मीटिंग की थी। पहले तो मुझे बुलाना है उस अप्रूवल के लिए, फिर टॉपिक के अप्रूवल के लिए, ठीक है, फिर तो 2-3 मीटिंग करके उन्होंने निर्णय लिया था। और मीटिंग करके निर्णय लेना गांधी स्टाइल, गांधी का स्टाइल नहीं है, वो गांधीवाद नहीं है, ठीक है। गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कोई भी मीटिंग नहीं की थी। मेरे को दिमाग में आइडिया आया कि दांडी मार्च करते हैं, क्या लगता है नेहरू, क्या लगता है पटेल, करेंगे, ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया, ठीक है। उन्होंने कभी मीटिंग नहीं की कि असहयोग आंदोलन करते हैं, उन्होंने कभी मीटिंग नहीं की कि विदेशी कपड़ों का होली जलाने का आइडिया कैसा लगता है, कुछ करे कि नहीं करे, उन्होंने किया। तुमको फॉलो करना है करो, नहीं फॉलो करना है मत करो। उन्होंने कभी भी डिस्कशन करके कोई निर्णय नहीं लिया। तो अगर आप लोग निर्णय लेने से पहले डिस्कशन करते हो, मतलब गांधीवादी तो बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। सो मैं किसी भी को, गांधी जी ने किसी को फॉलो नहीं किया था जहां तक मेरी जानकारी है। लोगों ने गांधी को फॉलो किया, गांधी ने किसी को फॉलो नहीं किया, मर्जी की अपने मन की थी, जिसको जो लगना है लगता हो। तो मैं इस चीज में बिलीव करता हूं, द मोमेंट आप फॉलो करना शुरू करते हैं किसी को, पसंद करिए, प्रभावित होइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे आप किसी को फॉलो करना शुरू करते हैं, आप खुद को खो देते हैं
ओरिजिनलिटी मिस कर, आप खुद को खो देते हैं, और जो व्यक्ति खुद को खो देता है फिर उसके पास कुछ नहीं बचता है. Exactly. ठीक है, और वहां से वो जो अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मूवीज पे ही मैंने ट्रेनिंग शुरू किया, मैंने मेरे करियर की शुरुआत की, मैं मेरा नॉवेल से ट्रेनिंग करना शुरू किया था मैंने. मैं जब पढ़ाई कर रहा था, एमबीए कर रहा था 94-96 में, तो उस समय इंडियन बुक ऑथर्स की बुक नहीं होती थी, सारे फॉरेन से उधार ली हुई सारी बुक्स होती थी, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें ज्यादा होती थी. तो वैसे वर्नाकुलर वालों को, हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आ रहा हिंदी में लिखा हुआ, तो इतने टफ इंग्लिश तो टेक्निकल इंग्लिश तो कहां से आएगी. सो मैं क्या करता था, मैं चीजों को समझने के लिए उसको कंटेम्प्रेरी हमारे जो एग्जाम्पल है उनके साथ जोड़ने की कोशिश करता था. तो वो जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बनाया बताया, जो मैंने महाबलीपुरम में भी रिकॉर्ड किया है इस विषय पर, कि रिएक्टिव अप्रोच क्या होती है और प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होती है ना. सो रिएक्टिव अप्रोच क्या होती है और प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होती है, उसको समझने के लिए मैंने वो जो महाभारत का एक किस्सा था उसको लिया, कि कृष्ण जब पहुंचे सेकंड टाइम के वनवास के टाइम पे पांडवों से मिले, तो भीम और सब लोग बड़े गुस्से में थे. कृष्ण ने पूछा, वो मैंने द्रौपदी वाला एग्जांपल शेयर किया महाबलीपुरम वाले वीडियो में, देखिएगा. मैं डायरेक्ट कंक्लूजन बताता हूँ कि भीम भयंकर गुस्से में, कब युद्ध कोई रोक नहीं सकता, होना निश्चित है, और अर्जुन भयंकर गुस्से में कि अब तो युद्ध अवश्यंभावी है, कोई रोक नहीं सकता. तो कृष्ण ने पूछा था कि ठीक है, युद्ध अवश्यंभावी है, कोई रोक नहीं सकता, तो तुम लोग क्या कर रहे हो. तो पांडव ने बोला कि बस हम 13 साल खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं. और तब कृष्ण ने बोला था कि अगर युद्ध होना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है, तो इंतजार मत करो, तैयारी करो. अब जो भी तुम्हारे पास वक्त है उसको खत्म होने का इंतजार मत करो, ये वक्त तुम्हारे लिए तैयारी कर. तो तैयारी करना प्रोएक्टिव अप्रोच है और इंतजार करना रिएक्टिव अप्रोच है. लेकिन ये मूवी भी इससे पहले जो मैं सेशन करता था, और मेरा फेवरेट है, मेरी इच्छा है कभी जैसे लोग भागवत कथा करते हैं वैसे मैं कभी इस नॉवेल पर कथा करूं, कॉर्पोरेट कथा करूं. वैशाली की नगरवधु जो नॉवेल है मेरा बड़ा फेवरेट नॉवेल है. मैं 5 नॉवेल से कंप्लीट एमबीए का कोर्स पढ़ाता हूं. मेरे पास उसके बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर सीरीज ऑफ लेक्चर है, जिसमें बाण भट्ट की आत्मकथा, अगर आपको डिसीजन मेकिंग क्या होता है और इनडिसिसिवनेस क्या होता है और उसके क्या परिणाम होते हैं वो अगर देखना है तो आपको समझना है अच्छे से, तो बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ना चाहिए आपको. रिलेशनशिप क्या होता है और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, तो चारू चंद्रलेख नॉवेल है जो पढ़ना चाहिए डॉक्टर हजारे प्रसाद द्विवेदी जी का. ठीक है, फिर ऑब्वियसली गॉडफादर के तीनों पार्ट जो है वो बड़े ही पावरफुल है, और किसी भी हर व्यक्ति को जो एमबीए कर रहा है पढ़ना चाहिए गॉडफादर. मूवी नहीं, मूवी तो है ही, ठीक है, ओरिजिनल गॉडफादर का नॉवेल पढ़िए, क्योंकि नॉवेल 100% मूवी में नहीं है, कुछ थीम ली है उसमें मूवी की, बट नॉवेल इज ब्यूटीफुल, आपको नॉवेल पढ़ना चाहिए. इसके साथ ही जो जय सोमनाथ है, अगर आप डॉक्टर अपने कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने जय सोमनाथ लिखा है और आचार्य चतुर्सेन ने भी लिखा है, पर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी वाला अगर आप जय सोमनाथ पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत कंप्लीट एमबीए है, वो कंप्लीट मैनेजमेंट है. फिर वैशाली के नगरवधु जो है उससे, एंड कृष्णावतार, ऑब्वियसली कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के जो कमा मुंशी के जो कृष्णावतार के 7 पार्ट है वो पढ़ेंगे तो आपको उसमें कंप्लीट एमबीए मिलेगा. यहां पर जो मैं जिक्र कर रहा था विनायक जी से और विष्णु जी से, वो कर रहा था डिस्कशन वैशाली के नगरवधु पर, तो मुझे लगा मैं फेसबुक लाइव करूं, आपके साथ शेयर करूं इंश्योरेंस के अलावा के टॉपिक है, लेकिन देखो मैं उसको खींच के वापस कॉर्पोरेट और इंश्योरेंस में लेकर आऊंगा. वैशाली की नगरवधु एक ऐसी लड़की की कहानी है, आम्रपाली की, जो 14 साल की थी और सुंदर होने की वजह से उसको नगरवधु घोषित कर दिया गया. उस समय लिच्छवी गणराज्य जो वैशाली जनपद था उसमें ये परंपरा रही होगी कि जो सबसे सुंदर है वो एक की नहीं हो सकती, नगर की होगी वधु. तो अब उस मूवी 2-3 चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ समझें और इसको पढ़िए, इस नॉवेल को. वैशाली के नगरवधु आचार्य चतुर्सेन का लिखा हुआ, बाकी नहीं, और ओरिजिनल पढ़ेंगे बहुत मोटी बुक है, एडिटेड वो पॉकेट बुक संस्करण मत पढ़िए. तो अब देखिए, एक लड़की जिसको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली है, जिस लड़की का ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है, क्योंकि जानता भी नहीं था कौन बैकग्राउंड किस बैकग्राउंड से वो, तो एक नॉर्मल से एक माली के माली ने पाल पोस के बड़ा किया. उस लड़की की अब तीक्ष्ण बुद्धि देखिए कि उसने कैसे अवसर को, एक एक परेशानी थी, एक तकलीफ थी, एक उसके जीवन में दुर्घटना हो रही थी, उसको नगरवधु डिक्लेयर कर दिया जा रहा है, उसकी मर्जी नहीं पूछी जा रही है, और उस घटना को उसने कैसे अवसर में कन्वर्ट कर दिया. नेगोशिएशन सीखना है तो आप वैशाली का नगरवधु से सीख सकते हैं कि कैसे नेगोशिएट किया जाता है, कि अपनी शर्तें मनवाई अपने सिर्फ एक स्ट्रेंथ की वजह से, और पूरा लिच्छवी गणराज्य पूरा वैशाली जनपद जो है उसकी बातों को मान रहा है. कैसे उसने कम रिसोर्सेस को ऑप्टिमाइज किया, कैसे उसने पूरे मगध साम्राज्य को कंट्रोल किया, अपनी अंगुलियों पे नचाया, ये सब सीखने का है उसमें. और उसमें क्या सीखना है जो मैं जिक्र कर रहा था विनायक जी आपसे, और आप सब लोगों के लिए इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, कि
और कॉर्पोरेट के लोगों को खास तौर से समझना चाहिए वैशाली की नगर वालों से कि अब देखिए कि एक लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं था और एक ऐसी चीज थी जो उसकी खुद की नहीं थी, ईश्वर की दी हुई थी, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया एक अवसर के रूप में उसकी सुंदरता को, और अपना महल मांगा, अपनी सेनाएं मांगी, उसकी परमिशन के बिना, जांच के बिना कोई भी आ जा नहीं सकता है। एंड पूरी लिस्ट पढ़िए आप, नेगोशिएशन कैसे करते हैं वो नॉवेल में जाकर। उसमें जब वो पहली बार नगर वधु बनती है, डिक्लेयर होती है, उसके बाद पहली बार नगरजनों के सामने आती है और वो जो सीढ़ियों से उतरती है, वो डेढ़ पेज का वर्णन किया है चतुर्सेन। उस वर्णन को देखिए आप, आपको पता चलेगा कि कस्टमर जब आपकी जिंदगी में आता है तो कैसे आता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसके अलग अलग लक्षणों को। तो उसमें क्या हुआ कि किसी के पास नहीं है वो वैभव आम्रपाली ने भोगा, एंड देन एक्सट्रीम, आप देखिए सब कुछ उसके पास है, और उसके बाद एक्सट्रीम क्या आया कि वो सन्यासिनी होगी। तो दो चीजें यहां पर कॉर्पोरेट के लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं, तो मैंने भी सीखी है, मैं हमेशा ऐसा कहता हूं मुझसे सीख लीजिए, सस्ते में निपट जाएंगे, वक्त सिखाएगा महंगा पड़ेगा, क्योंकि मुझे महंगा पड़ा, वक्त ने सिखाया, क्योंकि मैंने सीखा नहीं लोगों ने बोला। तो मैं जब पहला जॉब कर रहा था, और वैसे नहीं नगर वधु से इस चीज को मैं बाद में रिलेट भी कर पाया कि मैं जब पहला जॉब कर रहा था ना, तो काफी सक्सेस मिल रही थी, अलग स्टाइल था मेरा और पॉपुलर थे काफी सारे, तो है ना थोड़ा सा ये हवा भर जाती है, यंग थे 23 साल की एज में एमबीए कर लेता है आदमी, वैसे भी हवा होती है थोड़ी उस जमाने में, तो एमबीए इतना वैल्यू जानते भी नहीं थे, तो वैल्यू भी बहुत थी। तो विनायक जी मैं थोड़ा सा ना टेरिटरी मैनेजर है अपन, तो उसमें आ गया था, तो मेरे करने से हो रही है चीजें उसमें आ गया था, है ना। एंड देन मेरे बॉस, मैं नाम के साथ बताना चाहूंगा, आर एस नारायण सर, उन्होंने वो मुझे जमीन पर लेकर आए, और अच्छा है वो मुझे जमीन पर लेकर आए। उन्होंने एक दिन मुझे कुछ प्रसल हुआ आप लोगों का, मीटिंग में मैंने रिजाइन किया और उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने मुझे मीटिंग में बोला था कि मैं उसे तेरे कुत्ते जैसी हालत कर दूंगा मैं, ठीक है, तेरे को कोई नौकरी नहीं देगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और उन्होंने वास्तव में ऐसा कर दिया था। उस समय मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन मैंने जो जो उसमें रिजाइन किया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने सेटअप किया पूरा सूरत, मैंने सेटअप किया पूरा राजस्थान, और वास्तव में किया भी था, ठीक है। लेकिन ये जो गलत फहमी जो थी मेरे को, वो कैसे दूर हुई, मैं जब ब्रांच हेड था वहां पर विनय जी, जब डीलर के यहाँ जाते थे ना, मैं चाय कॉफी नहीं पीता हूँ, है ना, तो लोग मुझे लस्सी ऑफर करते थे, तो अपने को लगता था चलो अपने को तो लस्सी ऑफर करते हैं, बाकी सब लोग चाय ऑफर करते हैं। लेकिन जब मैंने रिजाइन कर दिया और मार्केट में जब ये पता चला कि मानसूसी ने रिजाइन कर दिया है, तो लोग पानी कभी नहीं पूछते थे। एंड तक मुझे लगा कि अरे इतने सारे लोग तो मुझे पसंद करते हैं, तो मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि वो कॉफी, वो जो लस्सी थी ना, वो हिमांशु जोशी को नहीं पिलाई जा रही थी, वो ब्रांच मैनेजर को पिलाई जा रही थी, वो उस कुर्सी को सम्मान मिल रहा था। एंड देन पहली बार लाइफ में डिसाइड हुआ इस दुर्घटना से कि मैं इस दुर्घटना को एक अवसर के रूप में कन्वर्ट करूंगा, आज के बाद फर्नीचर पावर के ऊपर ध्यान देना बंद और पर्सनल पावर के ऊपर ध्यान देना शुरू, और तब से मैंने पर्सनल पावर के ऊपर बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कॉर्पोरेट में जो वास्तव में कुछ भी नहीं है, लेकिन फर्नीचर की वजह से वो भाव खाते हैं। आपने देखा होगा, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को फेस किया होगा, कांच के सामने भी खड़े होकर अपने आप को हमेशा पूछना चाहिए कि मैं फर्नीचर और रेजिग्नेशन की वजह से हूं कि मैं मेरी वजह से हूं। रेजिग्नेशन टेम्परेरी है। आम्रपाली को ये पता था कि उसके पास जो स्ट्रेंथ है ना, वो टेम्परेरी है, ये सुंदरता ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है, और अगर मुझसे सुंदर कोई और मिल गई तो ये लोग वापस उसको नगर वधु बना देंगे, मेरा पता कट जाएगा। तो जो टेम्परेरी चीज है उसकी गलतफहमी में नहीं रहने का है, पॉइंट नंबर वन, है ना। ये डेजिग्नेशन आते जाते रहते हैं, और 90% से ज्यादा डेजिग्नेशन तो फेक डेजिग्नेशन होते हैं, है ना। अभी रिसेंटली क्या हो गया है, पिछले कुछ सालों से डेजिग्नेशन क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और वो एक ब्रांच हैंडल कर रहा होता है वो व्यक्ति, एग्जैक्टली, ठीक है। सो यंग जनरेशन को मैं हमेशा ऐसा कहता हूं, और ठीक है मुझसे मत सीखिए, वक्त सिखा देगा, इट्स ओके, पर ये जो वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे, ये सब गलत फहमियां हैं, ये सब गलत फहमियां हैं, इनके चक्कर में ना पड़े प्लीज, ठीक है, समाज को दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन उसके बहकावे में नया दे रखे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रखे कार्ड के ऊपर, लेकिन अंदर पता रखे कि आप क्या है, वो डेजिग्नेशन की वजह से नहीं होने चाहिए, आपकी वजह से सब कुछ होना चाहिए, है ना। सो ये सही वक्त पर मुझे सीखने को मिल गया, सही उम्र में सीखने को मिल गया, 25 साल का था उस समय सीखने को मिल गया, तो उसके बाद ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी है वो आपके सामने है। तो वैशाली के नगर वधु से ये सीखना चाहिए, आप देखिए उसने क्या किया, उसके पास सब कुछ था जो लोगों के लिए सपना हो सकता है, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया इससे पहले कि लोग उसको हटा दें उस पोजिशन से, और एकदम एक्सट्रीम संन्यास में चली गई वो, ठीक है। तो ये सीखने की चीज है कि सास को इससे पहले कि हटा दिया जाए बहू की पोजीशन से, जैसे वो सास बनी है ना, उसको अपनी बहू की पोजीशन को हैंडओवर कर देना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है, वो बहू की पोजीशन पे रखती है, सास की पोजीशन पे रखती है, और एक दिन उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको लिटरली हटा दिया जाता है उस पोजीशन से, ठीक है।
हर रिलेशन में ऐसा होता है। सो इससे क्रिकेट के मैच में तो खास तौर से राइट लेफ्ट होगा देखने को मिलेगा कि कपिल देव को लिटरली हटा दिया गया तब उसने खेलना बंद किया। उसने खेलना बंद किया इसलिए नहीं, उसको लेना बंद कर दिया तब उसने क्रिकेट छोड़ा। ये मेरी जानकारी के आधार पर बता रहा हूँ, मेरी जानकारी गलत हो सकती है। फिर और कौन, सचिन तेंदुलकर को लिटरली हटा दिया गया उस व्यक्ति को, ठीक है। देश पूरा हाथ जोड़ जोड़ कर बोलने लग गया था भैया तेरे 100 सेंचुरी हो जाएगी, तुम छोड़ो इसको सेंचुरी करवाओ यार, ठीक है। फिर आपके युवराज सिंह को हटा दिया गया लिटरली, लेना बंद, इससे पहले कि लोग आपको बंद कर दें लेना, उससे पहले अवेलेबल होना बंद हो जाइए, ठीक है। धोनी ने कब के पहले से साइड में हट गया भैया, इससे पहले कि लोग उसको हटा दे, धोनी इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लीडरशिप, तो वो साइड में हट गया, ठीक है, कि भैया तुम लोगों को जिसको जो करना है कर लो, मैं अब वनडे का कैप्टन नहीं बनूंगा करके विराट कोहली आपके सामने आ गए। और आप देखिए विराट कोहली के होने के बावजूद भी वो व्यक्ति रहा लंबे समय तक, अदरवाइज आप हिस्ट्री देखेंगे तो कैप्टनशिप हटने के बाद वो व्यक्ति खेला नहीं है, कोई भी कैप्टन हटने के बाद इतना ज्यादा नहीं खेलने का खेला मिलेगा, लेकिन धोनी लिटरली खेला और जिताए हैं उसने मैच बहुत सारे। सो इससे पहले कि लोग आपको थैंक यू बोल दें, आप लोगों को थैंक यू बोलकर हट जाइए, तब तो बनी रहती है इज्जत। ये वैशाली की नगर सीखा जा सकता कि उसको हट, देखो वो हट गई तो आज हम दोनों का एग्जांपल देते हैं कि वैशाली की नगर वधु इतने बड़े लेवल पर, और आज वैशाली की नगर वधु को सन्यासी के रूप में भी एग्जांपल दिया जाता है, वो भी एग्जांपल दे, ठीक है। सो इससे पहले कि लोग आपको ना बोल दे, आप हट जाइए चीजों से, आउटडेटेड होने से पहले छोड़ दीजिए, चेंज करिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बात को खत्म करना चाहूंगा, फिर कुछ प्रश्न है लोग देखेंगे कि, और बहुत छोटी सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है कि आप हम लोगों को ट्रेनर्स के बारे में ऐसा माना जाता है, ऐसा लगता है लोगों को कि ट्रेनर बनना है, और जो भी ट्रेनर बनना चाहते हैं एस्पिरेशन रखते हैं उनके लिए खास ये मैसेज है, लोगों को लगता है मुझे बहुत अच्छा बोलना आता है, तो ट्रेनर बनने के लिए अच्छा बोलना जरूरी है, ये लोगों को गलतफहमी है, ठीक है। ट्रेनर बनने के लिए अच्छा बोलना जरूरी है ये एक रिक्वायरमेंट है शायद, एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। एक इफेक्टिव ट्रेनर बनने के लिए सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए, आपको एक पता होना चाहिए कि चुप कब होना है, चुप कब होना है। ट्रेनर को अगर आप इफेक्टिव ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आपको एक पता होना चाहिए कि चुप कब होना है। लोग उबासी देने लग रहे हैं, सुसु के बहाने बार बार बाहर जा रहे हैं, बार बार मोबाइल देख रहे हैं, और आपका सेशन चालू ही है, ठीक है, क्यों आप देना चाहते हो, नहीं ऐसा नहीं है। इससे पहले कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी याद आने लगे आपका सेशन खत्म हो जाना चाहिए, लोगों लड़ना चाहिए नहीं सर ऐसे नहीं, इतना जल्दी मत खत्म करो, राइट। सो कोई भी चीज है वो हटा दी जाए, उससे पहले हट जाइए तो बनी रहती है वैल्यू। ये वैशाली की नगर वधु से सीखने को मिलता है। वैशाली की नगर वधु से देखो मैं आपको कंट्रोल कर देता हूँ, नेगोशिएशन स्किल्स से सीखने को मिलेगी, रिसोर्स एलोकेशन, दुर्घटना को एक अवसर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो सीखने को मिलेगा, कैसे हटा जाता है रास्ते से, है ना, और एक नया रास्ता क्रिएट किया जाता है वो वैशाली की नगर वधु से, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, आप पढ़िए, बहुत सुंदर रचना है, ओरिजिनल पढ़िएगा, बड़ी वाली जो बुक है, पॉकेट बुक नहीं। सो हर नॉवेल में मैं जितने भी नॉवेल पढ़ता हूँ, मैंने फॉर्चुनेटली बहुत पढ़ने का मौका मिला, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, और मैं ब्राह्मण इसलिए यहाँ पर शब्द यूज कर रहा हूँ जातिवादी के हिसाब से नहीं, ब्राह्मण के पास क्या मिलता है संपत्ति के रूप में, किताबें, तो मेरे पापा के पास किताबें हैं बहुत सारी, तो हम बचपन से वही देखते आ रहे, तो कोई किताब उठाकर पढ़ने लगते, तो कभी भीमसेन जोशी जी की जीवनी पढ़ने को मिली, कभी ना अपने अलाउद्दीन खान साहब की जीवनी पढ़ने को मिली, तो उससे कुछ, तो बचपन से पढ़ने का शौक रहा। मेरे खुद के पास 1500 से ज्यादा बुक्स का कलेक्शन है घर पे, आप देखेंगे मेरे पास सबसे ज्यादा सामान शिफ्ट जब हम करते हैं तो बाकी सामान से ज्यादा हमारे लाइब्रेरी शिफ्ट करने का सबसे बड़ा सामान पैक वो होता है। सो पढ़ते रहिए, हर चीज पढ़ते रहिए, एंड पढ़ते वक्त आप देखिए कि इसको मैं मेरे जीवन में कहां पर रिलेट कर पा रहा हूँ, वो चीज आपको याद भी रहेगी और काम भी लगेगी। ये मुझे मैसेज देना था 12 फरवरी 2020 सफल इंडिया टूर 131 दिन 131 शेयर 131 ट्रेनिंग में एक और पड़ाव है, ये सिर्फ 8 दिन और बचे हैं, बॉम्बे में कुछ दिन हूं मैं और उसके बाद वापी, और फिर सूरत 20 फरवरी को सूरत में बहुत बड़ा इवेंट कर रहा हूं मैं, 19 फरवरी को एडवेंचर्स के लिए है, लेकिन 20 फरवरी को ओपन सेशन है जिसमें मैं कोई भी आ सकता है, कपल्स के लिए सेशन कर रहा हूं मैं, रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा कि जो लोग जैसे हैं वैसे ही क्यों हैं और कैसे ही क्यों नहीं है, और कैसे होते तो कैसे होते, और तब आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते, कोई भी रिएक्शन आ रहा है लोगों का तो सिचुएशनल रिएक्शन है, उसके व्यवहार उसका वो व्यक्ति ही वैसा है, उसकी नेचर वैसी, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, कैसे अपने लॉस्ट रिलेशनशिप्स को रिकंस्ट्रक्ट रीबिल्ड किया जाता है, रिलेशनशिप की लैंग्वेजेस क्या होती है, जेंडर की वजह से थॉट प्रोसेस में वो
ओरिएंटेशन में क्या डिफरेंस आता है, ये सारी बातें मैं 20 फरवरी को करने वाला हूँ। सेशन को मिस मत करिएगा, आपकी जिंदगी का एक यादगार सेशन हो सकता है। एंड ऑब्वियसली वर्ल्ड रिकॉर्ड की पूर्णा होती है, 700 मील की पूर्णा होती है, तो वो अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक इवेंट रहेगा। 22,000 किलोमीटर का पूरा सफर करने के बाद हो जाएगा सूरत पहुंचूंगा, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो छोटा सा है पड़ाव, सफर बाकी है, उम्र गुजरेगी यूं ही, बस उम्र बाकी है। सो बहुत सारी और चीजें करते रहेंगे, मैं देख लेता हूँ कौन कौन लोग हैं जो लाइव हुए हैं और क्या क्या प्रश्न है, अगर है किसी के तो पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ उनके जवाब भी मेरे व्यूज शेयर करूंगा। ओके, कुछ लोग हैं, कुछ नहीं काफी सारे लोग हैं भैया। चिराग भाई वेलकम अगेन, संजय भाई आज ट्रेनिंग में आप आए रत्नागिरी में, वेरी गुड, थैंक यू। जय कुमार जी देख रहे हैं, वेलकम। तुषार भाई, वीरेंद्र पंडा जी स्वागत है आपका, विपिन भाई स्वागत है, प्रशांत जी वेलकम। संजय जी मेरी जर्नी अच्छी रही, हम लोगों ने बहुत अच्छे से, कुछ रास्ता थोड़ा सा खराब था, बाकी हमने काफ़ी अच्छा, हाईवेज थे तो सफ़र अच्छा रहा, थैंक यू वेरी मच। संजीव नंदा जी बहुत बहुत स्वागत है, रवि सोनी जी स्वागत है आपका, भास्कर भाई वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इवनिंग नहीं कहता हूँ मैं, गुड मॉर्निंग कहता हूँ भास्कर भाई, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेनर का काम है विचारों को जगाना, और जो व्यक्ति जगाने का काम करता है वो गुड मॉर्निंग ही बोलेगा। विशाल गुप्ता जी स्वागत है, इंद्र मोहन जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आई होप आपकी हेल्थ अच्छी है अभी। प्रवीण जी वेलकम, भास्कर जी 8 days रिमेनिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड, यस बिल्कुल 8 दिन बाकी, 131 दिन में से फाइनली 8 दिन बाकी है, सो बहुत रोमांचक और आनंददायक सफर रहा है ये। नवनीत शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग जी मेरे सभी वीडियो में कुछ कुछ नया सीखने को मिलता है, बिल्कुल, क्योंकि मैं नया नया सीखता रहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं हमेशा अपने आप को सोने से पहले ये पूछता हूँ कि क्या आज मैंने कुछ नया सीखा, तो मैंने अगर कुछ नया सीखा है तो मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ, इसलिए आपको भी कुछ नया सीखने को मिलता है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि 23 ईयर्स से एक इंडस्ट्री में टिके रहना और 24 इंश्योरेंस कंपनीज को ट्रेनिंग देते रहना नए कंटेंट के बिना संभव नहीं है। मेरी इस पूरी सीरीज़ में आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली है जो मैंने आज तक किसी ट्रेनिंग में नहीं बताई है। सो कंटेंट नया नया सीखते रहना पड़ता है, सो आप भी सीखते रहिए, थैंक यू वेरी मच। चेतन भाई वेलकम, रीता कुंदू जी वेलकम, हर्षदास जी स्वागत है आपका, सुहास जी वेलकम, लोपा दवे जी वेलकम, हरिओम जी वेलकम, हेमंत जी, हरिओम जी वेरी हेलो, मनीष मूर्ति जी स्वागत है, हिमांशु पंड्या जी, नमर मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करिए सब लोगों के साथ। और मेरा YouTube जो चैनल है youtube.com/himanshujoshi सबके साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए उस चैनल को, क्योंकि मैं इस सीरीज के बाद मैक्सिमम वीडियोस वहां पोस्ट करने वाला हूं और YouTube लाइव करने वाला हूं, तो शेयर करिए और youtube.com/himanshujoshi को सब्सक्राइब करिए। विशाल शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है, ओके ठीक, अभी के लिए इतना ही है। कल मैं ये विनायक जी है, विनायक जी से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। विनायक जी और विष्णु जी पटना से आए हैं मुझसे मिलने के लिए, काफ़ी समय से प्लानिंग था कि ये सफ़र साथ में करें, और विश्व रिकॉर्ड बन रहा है तो ये अपने आप में यादगार रहेगा जीवन भर में कि एक हिस्सा आप भी थे इसमें। तो पटना से फ्लाई करके आए बॉम्बे, बॉम्बे से ट्रेन पकड़ के रत्नागिरी, और रत्नागिरी से इन्होंने मेरे साथ ड्राइव किया है, सफ़र साथ में हमने बिताया, बहुत सारी बातें की। मैं रिकॉर्ड करना चाहता था उन रास्ते की सारी बातों को, लेकिन पिछले कुछ ड्राइविंग के दौरान वीडियो जो रिकॉर्ड किए तो बहुत सारे लोगों ने नाराज़गी जताई, कुछ लोगों ने सलाह दी जो कंसर्न केयर करते हैं कि ड्राइविंग के टाइम पर वीडियो रिकॉर्ड मत करिए, सो इस बार मैंने मिस कर दिया। मैंने कहा चलो वो ज्ञान हम तीनों के बीच में ही रहे यादों में, हैं सो बहुत सुंदर दृश्य थे बीच में, बहुत सुंदर पहाड़, फोर लेयर्स के पहाड़ थे, चार लेयर्स के अलग अलग पहाड़ थे, तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया, मैं पोस्ट करूंगा, हमने बीच में रास्ते में रुके थे। नीरज ठक्कर जी स्वागत है, उस पे बादलों की जो गहराई और उनकी छाया थी, हाँ, वो उसको और काफी माधुर्य प्रदान कर रहे थे, बिल्कुल, वो सारे शेड्स जैसे लगा कि हमारे खुशी गम और सारे विषयों का एक फलक प्रस्तुत कर रहा था प्रकृति हमारे ऊपर, बिल्कुल, ये मेरी एक राय है, बिल्कुल।
बहुत सुंदर पूरा भारत में मोदी जी जो सही बोलते हैं, अब देखो मैं फिर मोदी जी का नाम ले ले लोग बोलेंगे प्रो बीजेपी है, पर अब जो सही है वो तो सही है, बोलना ही पड़ेगा। मोदी जी ने अभी एक जो कैंपेन किया कि भाई हर भारतीय 15 जगह भारत की 15 जगहों पर घूमे एटलीस्ट, है ना। सो मैं तो ऑलरेडी इतने सारी जगह पर घूम ही चुका हूँ। नहीं, आप भारत की कोई भी 15 जगह पर घूमिए। हाँ, और मैं आपको बता दूं विष्णु जी कि अगर आपको 15 जगह कोई भी चाहिए स्पेसिफिक, तो मेरे इस टूर में जहां जहां भी रुक के मैंने वीडियोस की हैं, बस उनमें से कोई भी 15 जगह पसंद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि 100 से ज्यादा लोकेशंस की वीडियो मैंने शेयर की, मैं शुरुआत में थोड़ा मिस कर गया था, ध्यान में नहीं आया कि मुझे ये करना चाहिए, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरे फेसबुक लाइव पे जितने भी टाइमलाइन पे वीडियोस हैं देखिए, सुंदर सुंदर जगह हैं। निधि वेदी जी स्वागत है आपका। चिराग भाई बिल्कुल 19 तारीख का मुझे भी बेसब्री से इंतजार है, कल परसों तक में वेन्यू फाइनल हो जाएगा और मैं बहुत पावरफुल चीज़ें शेयर करने वाला हूँ सूरत में। बिल्कुल, सो जो भी कोई भी आ सकता है। देखो 19 तारीख को एक्सक्लूसिव एडवाइजर्स के लिए सेशन है सूरत में, और 20 तारीख को ओपन फॉर ऑल। टॉपिक अलग अलग है दोनों के। 19 तारीख का टाइमिंग है 10 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। अब 2 बज जाएंगे, नॉर्मली खत्म होते थे। 19 तारीख को मैं वही टॉपिक की बात करूंगा जो मैंने 130 शहरों में की है, ठीक है। लेकिन 20 तारीख को जो मैं बात करूंगा, 20 तारीख को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एडवाइजर हैं, एजेंट है कोई भी कंपनी में, अपनी वाइफ के साथ आइए। मेरा वादा है आपसे, जब आप अगर आप वाइफ के साथ नहीं आए तो चालू ट्रेनिंग में आपको लगेगा कि अरे यार वाइफ के साथ आते तो ठीक रहता, क्योंकि मैं कपल के रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाला हूं, और वो विषय मेरा विषय है, वो मेरा होम पिच है, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि उस विषय पर मेरी मास्टरी है। सो उस विषय पर बात करेंगे 20 तारीख को। 19 को इंश्योरेंस की ही बात करेंगे जो मैं रूटीन में 130 सिटीज में बात की है, और 20 तारीख को रिलेशनशिप पर बात करेंगे। 20 तारीख का जो सेशन होगा वो इवनिंग सेशन होगा, लेट इवनिंग का सेशन होगा, क्योंकि उसमें फैमिली वाले लोग, जॉब करने वाले, प्रोफेशनल लोग होंगे, शाम को सब निपटा के आ सके ऐसा रखेंगे। एक दो दिन में ही मैं सब अनाउंस करने वाला हूं। आलोक जी वेलकम। आलोक जी कोलकाता से हैं और मेरे सीए भी हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, सिंगापुर में जो मेरी कंपनी है उसको इन्होंने करवाया था, और टैक्स मंत्रा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। यंग एनर्जेटिक बंदे हैं और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक व्यक्ति है। बहुत सारी कंपनीज को इन्होंने सिंगापुर में एस्टेब्लिश होने के लिए हेल्प की है। taxmantra.com की साइट पर इनके बारे में और जानकारी मिल सकती है। इनके पास पूरी टीम है प्रोफेशनल लोगों की, एंड काफ़ी एक्टिव हैं ये। इंडिया और सिंगापुर के बीच में ब्रिज अगर किसी को चाहिए बिजनेस करने के लिए, एक्सपोजर के लिए, तो आलोक जी सही व्यक्ति हैं। आलोक जी थैंक्स फॉर कमिंग ऑनलाइन। शंभुनाथ जी स्वागत है आपका। सो मैं डिस्कस कर रहा था, अभी आप जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो जाकर देखिएगा, मैं डिस्कस कर रहा था कि अलग अलग बुक्स जो हैं हमारे, स्टोरी बुक्स हैं, जो हमारे नॉवेल्स हैं, जो हमारे इतिहासकारों साहित्यकारों ने लिखे हैं, उनमें बहुत सारा सीखने का है। वैशाली के नगरवधु जो आचार्य चतुर्सेन का नॉवल है उसके मैंने चर्चा की, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। वीडियो आप शुरू से देखेंगे तो मिलेगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा से ऐसा मानता हूँ कि कुछ भी करते हैं सीखने को मिल सकता है उसमें। सो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कोई प्रश्न है आप लोगों का तो बता, आप भी बता सकते हैं, तो मैं उसका भी जवाब शेयर करूंगा। ग्रेट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गोदान, गोदान एक और नॉवेल, मेरा पहला बड़ा नॉवेल गोदान था, और मैं बड़े मुझे याद इसलिए है क्योंकि मैंने 10th का एग्जाम दिया था, और उससे पहले हम लोग अमर चित्र कथाएं पढ़ने वाली जनरेशन के लोग थे ना, घर पे अमर चित्र कथाएं आती थी और पढ़ डालते थे सबको। फिर फैंटम भी पढ़ा। हाँ फैंटम पढ़ा, मैंड्रेक्स पढ़ा, चाचा चौधरी मैंड्रेक्स पढ़ा है ना वो। तो जब 10th का एग्जाम खत्म हुआ ना, तो एग्जाम लास्ट पेपर जब दिया, उसके बाद स्कूल से लौटते वक्त लाइब्रेरी में गए और सर को बोला कि सर कुछ चाहिए पढ़ने के लिए, और गोदान उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है गोदान। गोदान जब, और एक सिटिंग में पढ़ी थी, कुछ 464-65 पेज की बुक है ओरिजिनल, और एक सिटिंग में पढ़ी थी मैंने उसको नॉन स्टॉप। तब से वो एक नशा लग गया, एक चस्का लग गया, और खूब उसके बाद पढ़ने का मौका मिला। पूरा समर वेकेशन और फिर पूरा 11th का साल बंकिम बाबू को पढ़ा, शरद बाबू को पढ़ा, सुनील गंगोपाध्याय को पढ़ा, खरीदी कौड़ियों के मूल, सुनील गंगोपाध्याय का एक नॉवेल है खरीदी कौड़ियों के मूल, इतना सुंदर मैंने। रांगे राघव को पढ़िए आप, रांगे राघव है ना, कब तक पुकारू,
कब तक, उसके ऊपर तो सीरियल भी बन चुका है, कब तक पुकारूं, हम नॉवेल पढ़ेंगे आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा, शरद बाबू को पूरा पढ़ा, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ने का मौका मिला मुझे। सो इन सभी लोगों को पढ़ते पढ़ते एक चस्का लगा, उस चक्कर में 11th में रिजल्ट डाउन हो गया, 45% आ गए। तब समझ में आया कि नहीं नहीं रुको, पढ़ाई भी करनी है, तो वापस से 12th में कवर किया। लेकिन तब एक शौक लग गया कि एक बुक्स पढ़ने का शौक लग गया, और तब से तो गोदान की जो मैं, अगर मुझे पूछेंगे गोदान के बारे में मैं क्या सीखने की, मेरी पहली बुक थी तो गोदान से मेरा ऐसा, हाँ उसको कैसे अभी देखते हैं और सारे परिपेक्ष को इस परिपेक्ष से कैसे कोरिलेट करते हैं। देखिए गोदान के, संतोष जी वेलकम, शुभम कांत जी वेलकम, मैं कुछ नॉवेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ और उससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या सीखने को मिल सकता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। गोदान के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को, व्यक्ति से मेरा मतलब है इंडिविजुअल यूनिट एंड कंपनी को भी, ये समझना चाहिए कि जब आप अपने कैपेसिटी से बाहर जाते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब कुछ आपकी मान्यताएं होती है, उदाहरण के तौर पे कि मुझे वो गाय गाय वाला जो पूरा किस्सा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, गोदान पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक क्राइम है, अगर आप भारत में हैं और गोदान नहीं पढ़ी है तो भैया ये क्राइम है आपके लिए ना। सो उसमें मैं 2-3 छोटे एग्जाम्पल दूंगा कि जब वो उसके नहीं नहीं होरी उसका मेन हीरो है और उसमें एक चूहिया करके कैरेक्टर है, ठीक है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसको भी जब आप पढ़ेंगे तो फिर राय साहब के जो आगे कान, तो उसमें मेरा जब वो उसके खाने, गाय का जो खाना रखने वाली जो जगह होती है उसमें जब वो जहर की पुड़िया डाल देता है और उसके बाद वो क्या होता है, तो आप देखिए कि गोदान आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड के एक एग्जीक्यूटिव की कहानी है। ठीक है, आप होरी हैं, आप कोई भी पोस्ट कंपनी में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, फ्रेंड्स आप गोदान को जब पढ़े ना तो ये मान के चलना कि आप होरी हैं और कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो जो होता है वो उसके साथ हुआ है, वो जो जो कर रहा है होरी वही आज का एग्जीक्यूटिव कर रहा है और अपना आपका सत्यानाश कर देता है वो व्यक्ति। ठीक है, फर्नीचर पर देखो, आप समझना मैं जो उसकी भी बात कर रहा था वैशाली के नगर वधु की भी, कि लोग फर्नीचर पावर में फंस जाते हैं। ठीक है, फर्नीचर पावर में फंस के वो पर्सनल पावर पे काम नहीं कर पाते हैं और एक दिन फर्नीचर हट जाता है उसके नीचे से तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। गोदान जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक एग्जीक्यूटिव की कहानी, आज के कॉरपोरेट के एग्जीक्यूटिव की कहानी पता चलेगी कि क्या उसके साथ हो रहा है और क्या होरी के साथ हो रहा है, तो वो एक वार्निंग के मैनुअल के रूप में भी ले सकते हैं कि जो होरी ने किया वो अपने को नहीं करना है भैया, है ना। मुद्दा कंक्लूजन क्या है, कैपेसिटी से बाहर जाकर जब आप कोई भी काम करते हैं क्योंकि परंपरा है, ठीक है, तब आपकी क्या हालत होती है, आप अगर कुछ नया रास्ता नहीं ढूंढते हैं तो आपकी क्या हालत होती है, फिर आप एक ओनर से नौकर कैसे बन जाते हैं। देखिए ध्यान से समझना, जब आप पढ़ाई कर रहे थे ना तब आप ओनर थे, ठीक है, और फिर जब आप नौकरी करने लगते हैं तो आप हो जाते हैं अपने ही गुलाम। ठीक है, तो एक कितनी मतलब मुंशी प्रेमचंद ने लिख दिया तो बड़ी महान रचना है, लेकिन आप उसको किस तरह से लेकर अपने जीवन में उस महान चीज को उतार सकते हैं उसको मिस मत करिए। गोदान पढ़िए, वो आपके एक यंग एग्जीक्यूटिव की कहानी है जो आज के कॉरपोरेट जंगल में फंसा हुआ तो नहीं बोलूंगा, भटकता हुआ बोलूंगा, भटक रहा है, पात्र है गोबर, गोबर गोबर को आप कैसे लेते हो सर? ठीक है, देखिए मैं जो चाहता हूं वो करूंगा, ठीक है, वो गोबर है, तो मैं इसको ऐसे लेता हूं कि मतलब हरे के अलग भी हो सकते हैं, एक्चुअली होरी को जो करना चाहिए था वो गोबर के रूप में हुआ। ठीक है, तो जैसा होता है ना कि जो कहानी पापा अधूरी छोड़ते हैं उसको बेटा पूरा करे, तो जो एक्चुअली होरी को करना चाहिए था वो होरी नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन, वो गोबर ने किया, लेकिन सही किया गलत किया वो एंड में पता चलेगा। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा होरी देखो इसको इस तरह से भी मैं समझाना चाहूंगा कि आपने 8 घंटे का सफर किया, हाईवे पे किया, सामने से लाइट्स भी आ रही थी, ट्रैफिक भी था, तो एक स्ट्रेस होता है आपको। नाउ व्हाट शुड बी द एक्सटेंशन ऑफ दिस एक्शन? रेस्ट। नाउ 8 घंटे सफर किया, अब आपको रेस्ट करना चाहिए, तो रेस्ट करना आलस नहीं है यहां पर, सुनना बहुत ध्यान से, यहां पर रेस्ट करना आलस नहीं है, रेस्ट करना रिज्यूनेट करना है। होरी इज अ रिज्यूनेशन ऑफ एक्चुअल रोल व्हाट, गोबर इज अ रिज्यूनेशन ऑफ एक्चुअल रोल व्हाट होरी शुड हैव डन।
तो मेरे हिसाब से मुंशी प्रेमचंद ने दोनों को वो बैलेंस किया है ओके, लेकिन गोबर भी सही निकला ही जरूरी नहीं है, ठीक है, राय साहब भी सही निकले ही जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने चूहिया के कैरेक्टर को बोला, अब चूहिया का कैरेक्टर देखना, मुझे चूहिया क्यों याद रह गई, वो किराए की खोली में रहने वाली एक मोटी जाड़ी औरत, काली औरत, मुझे क्यों याद रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा इंटरप्रिटेशन है ये, हर एक आपने कौन सा वर्जन पढ़ा है मुझे नहीं पता है, या कौन सा पढ़ेंगे, ओरिजिनल वाला पढ़ेगा, पुरानी लाइब्रेरीज में मिलेगी, या जो साहित्य की जो दुकानें होती है, बुक स्टोर नहीं, वहां पर पुराना वर्जन मिलेगा आपको। गोबर होरी का जहां खत्म होता है वहां से गोबर शुरू होता है, ठीक है, और वो जो गोबर को अब आगे क्या करना चाहिए, कैसे उसको ब्लॉस, उसको एक्सप्लोर होने दे, वो चूहिया से सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये सब हिंट दे रहा हूं मैं, ट्रेलर वो क्या बोलते हैं, वो टेस्ट लगा रहा हूं, बाकी आप गोदान पढ़ना चाहिए आपको, बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर रचना है। देखिए सरेंडर जो होता है ना, देखो पुराने जमाने में क्या होता था, क्योंकि वहां भी ससुराल का जिक्र है, हाँ, भी ससुराल में सच के जाने का जिक्र है, जो आज दिखावा की प्रवृत्ति है, तो दोनों कैरेक्टर को आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को उसमें कैसे देखते हैं? मैं सिंपल सा इस चीज को इस तरह से समझता हूँ कि पत्नी जो है ना, पत्नी नॉर्मली आप देखना क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति कोई भी परिवार में एक बेटी होती है और वो कुछ भी करना चाहती है, उस जमाने की बात बता रहा हूँ, और मोटे मोटे तौर पर अभी भी हमारे समाज में ऐसा मिलेगा, मोटे मोटे तौर पर मिलेगा, स्पेसिफिक किसी का फ्रीडम ज़्यादा है तो अलग बात है, पर मोटे मोटे तौर पर बेटी को क्या बोला जाता है, ये सब तू तेरे ससुराल जाए तब करना, तो उसकी हर चीज़ को पोस्टपोन कर दिया जाता है, ठीक है। अब वो जब ससुराल आती है और जब ये करने लगती है तो लगता है इसको तो नए नए शौक चढ़े हैं, ठीक है, तो वो जो रिलेशनशिप है वो टिपिकल पत्नी का नहीं है, वो रिलेशन, वो बिहेवियर, वो स्त्री का बिहेवियर है जिसको हर चीज पोस्टपोन कर दी गई थी, अब वो करना चाहती है, अब वो करना चाहती है तो उसको करने देना पड़ेगा, अब उसके आपकी कैपेसिटी है या नहीं है, पर वो चाहती है, तो वो सोचते मेरे पापा की भी कैपेसिटी नहीं थी, अब पति भी की, तो मैं किसके पास जाऊंगी, गोबर चला गया वहां पे, तो मैं इसको कब करूंगी। तो सरेंडर के साथ साथ विद्रोह का एक क्लासिक कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे, तो मैं उसको इस तरह से इंटरप्रेट करता हूं कि वो हां भी बोल रही है ना, वो समझती है चीजों को, थोड़ा विद्रोह भी करेगी वो। और अच्छा, ये खाली आप इस कैरेक्टर में नहीं देखेंगे, मैं इसको सीधे कनेक्ट, मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स में जितना भी मैं समझाऊं, पढ़ाऊं और याद है, उसमें ओवरऑल आपको मिलेगा बैलेंस कैरेक्टराइजेशन। इधर आप बंगाली वर्जन्स में जाएंगे तो फीमेल कैरेक्टर का बहुत स्ट्रांग होल्ड मिलेगा आपको, ठीक है। सो वो जो फीमेल कैरेक्टर का जो स्ट्रांग होल्ड बंगाली साहित्य में है, उसका एक झलक वो है कि अगर इतने दबे और लिमिटेड माहौल में क्या किया जा सकता है, क्या हो रहा है, मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करता हूं। उसका खुला वर्जन, मेरे एक बहुत पुराना स्टेटमेंट है, राजन भट्ट जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपको ऑनलाइन देखकर बहुत अच्छा लगा। राजन जी पीआर के हेड रहे हुए हैं दिव्य भास्कर सूरत में, और राजन जी ने मुझे एक ऐसी, राजन जी आपको आई डोंट नो याद है या नहीं है, आपने जब मुझे मेरे पोस्टर्स का दिवाली कार्ड बनाने का आइडिया दिया था दिव्य भास्कर के लिए, फिर दिव्य भास्कर ने ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन उसके बाद से इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए मैंने वो मेरे पोस्टर्स को दिवाली कार्ड में कन्वर्ट करके बहुत बिजनेस किया था, और 2010 के डाउनफॉल में उसी से बाहर निकल पाए थे हम लोग। सो थैंक्स, आप आइडिया दिया आपने उसके लिए। मिस्टर समीर वेलकम, विनोद भट्ट जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग फेसबुक लाइव कर रहे थे, कुछ साहित्य के बारे में चर्चा हो रही थी, मैं 131 दिन 131 शहर 131 ट्रेनिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने निकला हूं राजन जी आप लोगों के आशीर्वाद से, और आज 122 दिन पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 23 दिन पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं। सो अभी पूना में हूँ मैं, यहाँ से फिर बॉम्बे वापसी होते हुए 20 फरवरी को व्हाट्सएप में सूरत में होऊंगा, और बहुत बड़ा इवेंट कर रहा हूँ सूरत में रिलेशनशिप के ऊपर, सो मैं आपको इनविटेशन भेजूंगा, मिस मत करिएगा। 20 तारीख की शाम को MD फार्म जो है अल्थान गार्डन चार रास्ता पे, वहाँ पर सेशन होने वाला है।
बिल्कुल रेफर क्या करूंगा हम तो, आप ऐसे प्रेरणा ले लेकर सर आगे बढ़े। पीआर क्या होता है, हमेशा स्माइलिंग फेस करके किस तरह से एंग्री से एंग्री व्यक्ति को हैंडल किया जा सकता है, वो राजन भट्ट जी से मैंने सीखा था उस समय, है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका मेरे जीवन में कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो उस 20 फरवरी के सेशन में आएगा, 131 दिन का ये जो विश्व रिकॉर्ड बन रहा है उसका अंतिम पूर्णा होती है इस वर्ष में, क्योंकि 22,000 किलोमीटर सेल्फ ड्राइविंग किया है मैंने सर, और 20 फरवरी को सूरत में इसकी पूर्णाहुति करेंगे। सो आपका स्वागत है उसमें, मैं आपकी वॉल पे भेजूंगा इनविटेशन, और आप बाकी सबको भी शेयर करिएगा। एक सूरत के लिए और एक अभूतपूर्व अवसर होने वाला है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इतिहास हुआ था ऐसा सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा पता चलता है कि इतिहास रचा जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास का हिस्सा बन पाते हैं और कह पाते हैं कि मैं भी उस इतिहास रचे जाने के का पार्ट था। और वो अवसर सूरत को मिलने वाला है, मैंने तो कर दिया, लास्ट दिन सूरत पहुंच रहा हूं मैं। 19 तारीख को इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए सेशन करूंगा और 20 तारीख को ओपन सेशन होगा सबके लिए। सुकांता सिंह रॉय जी ये आपके काम के व्यक्ति हैं विनायक जी, सुकांता सिंह जी जो है ना वो डिजिटल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जाए मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कैसे किया जाए इंश्योरेंस मार्केटिंग के लिए, उसके एक्सपर्ट हैं, कोलकाता में एडवाइजर हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं, और इनसे कुछ टेक्निकल चीज़ें जानने को मिल सकती है। सुकांता सिंह रॉय हाँ फेसबुक पे मिलेंगे आपको। तो सुकांता जी स्वागत है आपका, 131 दिन का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, 8 दिन बचे हैं और मैं सूरत पहुंचूंगा 20 तारीख को, तब मेगा इवेंट होगा, अभी 5 दिन बॉम्बे और उसके बाद वापी होते हुए सूरत पहुंचूंगा, लास्ट 8 दिन बचे हैं। थैंक यू राजन जी, और बाकी सब साथियों को भी बताइएगा जैसे ही मैं इन्विटेशन पोस्ट करूंगा सब जगह पे। सो मेरा अच्छा, फिर आप रांगे राघव का देखिए कब तक पुकारूं, उसमें 2 फीमेल कैरेक्टर हैं, ठीक है, तो वो जो दोनों फीमेल कैरेक्टर हैं, तो मेरा पर्सनली ऐसा रहा है कि ऐसा मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करता हूं कि कोई भी नॉवेल आप उठा लीजिए, कोई भी नॉवेल उठा लीजिए, उसमें मेन कैरेक्टर के अलावा जो छोटे छोटे फीलिंग कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली ज्यादा नॉलेज दे जाते हैं आपको। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो पात्र होता है ना, वो उस तारतम्य से वो बंधा हुआ होता है, उसको एक रोल में रहना पड़ता है, तो जो डिफरेंट शेड्स हैं वो बाकी कैरेक्टर्स दे पाते हैं आपको, ठीक है। सो वो उस एंगल से जब कोई भी जैसे वो उत्प्रेरक का काम करता है, हाँ, एंड वो एक नया एंगल दे पाते हैं चीजों को। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जय सोमनाथ जो नॉवेल है उसमें काक एंड मंजरी करके 2 कैरेक्टर है, जासूस है। अब एक्चुअल हीरो उसके बाणावली भीमदेव है, चौला देवी है जय सोमनाथ में, ठीक है, लेकिन वो जो काक एंड मंजरी है 2 जासूस, वो गजब के नॉलेज गजब के लर्निंग दे जाते हैं आपको। फिर उसमें जो ऊंटनी होती है, जिस ऊंट के ऊपर बैठकर वो सफर किया करते हैं, उसका नाम पद्मनी बहू होता है, वो ऊंटनी जो है वो आपको 2 मैसेज दे जाती है। सो ऐसे छोटे छोटे जो बारीक जो नॉर्मल ध्यान में नहीं आते हैं कहानी के फ्लो में, उन लोगों से जब आप सीखना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक ऐसी लर्निंग आती है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती है। सो थैंक यू विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं बड़े गर्व मैं मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि जिंदगी में बड़ा सोचो, तो मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोगों को भी बोलता हूँ बड़ा करो बड़ा करो, तो मैं लोगों को ये बताने के लिए निकल गया कि देखो बड़ा बोल ही नहीं रहा हूँ, किया जा सकता है। और 131 दिन, 131 शहर, 131 ट्रेनिंग करके बताया, तो और मैं लोगों को बोला हूँ अगर मुझे 131 दिन में 131 शहरों में नए लोग मिल सकते हैं, तो आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको तो अपने शहर में नए लोग मिल ही सकते हैं, शर्त बाहर निकलना पड़ेगा आपको, है ना। बिल्कुल नवसारी में मामा की पेटी, नवसारी शहर सूरत के कुछ 28-29 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक मामा की पेटिस करके एक नमकीन मिलता है, बहुत टेस्टी होता है, मामा की पेटिस, पेटिस इज लाइक चीज बॉल, वो पोटैटो बॉल्स होता है, उसके अंदर मसाला भरा हुआ होता है, सो बहुत टेस्टी बनता है उस पर्टिकुलर दुकान का, वेरी फेमस। अमीरी खमणी करके एक वहाँ पर है जो खाने की बड़ी जगह है। ये सब आप मुझे मेरे करियर के शुरुआत के दिन याद दिला रहे हैं, मैं सूरत नवसारी जाऊँगा कॉल करने के लिए, सेल्स कॉल के लिए मामा की पेटी जरूर खाऊंगा, अमीरी खमणी जरूर खाऊंगा, वलसाड़ जाऊँगा राजा रानी का वड़ा पाँव खाऊंगा, बारडोली जाऊँगा पात्रा खाऊंगा मैं, तो ये सारी हर सिटी की एक खासियत होती है ना, जैसे इंदौर जाएंगे पोहा खाएंगे, आप सूरत जाएंगे खमण खाएंगे। सो उन दिनों की याद है। पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूनम जी डायरेक्टर रही हैं एक बीबीए कॉलेज के बारडोली में, और
नई मूवीज बेस्ड ट्रेनिंग बहुत करवाई है इन्होंने अपने बच्चों के लिए कॉलेज में। सुपुरम जी बहुत बहुत स्वागत है। 131 दिन 131 शहर 131 ट्रेनिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिर्फ 8 दिन बचे हैं और मैं अभी कल भीमाशंकर द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए बॉम्बे पहुंचूंगा। अभी पूना रुका हूं रात को पिंपरी चिंचवड़ में और 22,000 किलोमीटर का टोटल सफर किया है मैम। 20 फरवरी को सूरत में बहुत बड़ा इवेंट कर रहा हूं मैं रिलेशनशिप के ऊपर, उसको मिस मत करिएगा। बाकी सब लोगों के साथ शेयर करिए। trainerhimanshu.com पर आपको एक दो दिन में जानकारी अपडेट हो जाएगी। मेरा यूट्यूब चैनल जो है youtube.com/himanshu जोशी, उसको सब्सक्राइब करिए, वहां पर आपको बाकी सारी जानकारी मिलेगी। संजय सोमैया जी, सोमैया जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो मैं ये डिस्कस कर रहा था, आज का टॉपिक साहित्य के ऊपर चल रहा है, अलग अलग नॉवेल्स के ऊपर चल रहा है। सो अगर कोई भी प्रश्न आपके हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। तो ये मेरा इस तरह से इंटरप्रिटेशन रहता है, कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर है कोई भी नॉवेल में, वो आपको एक डिफरेंट फ्लेवर ऑफ लर्निंग दे सकते हैं, तो उन्हें मिस ना करें। उनको जब पढ़ते वक्त खास अंडरलाइन जरूर करें, मेन घटनाओं के साथ साथ मेन कैरेक्टर का उतना ही इंपॉर्टेंस उनका भी होता है कहानी को आगे बढ़ाने में, बांधे रखने में। सो जीवन में भी वही लोग बांधे रखने वाली ट्रेनिंग शायद मैसेज आपको दे सकें। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप लोगों के आशीर्वाद से देखो इतना बड़ा और ईश्वर की कृपा से इतना बड़ा मिशन हाथ में लिया और पूरा हो रहा है। मैंने बहुत मैंने इस पूरे मिशन में एक और रखा मेरा कि दो शहरों के बीच में या उस शहर में कोई पर्टिकुलर ऐतिहासिक या धार्मिक या ऐसी कोई जगह होगी देखने लायक या दर्शन करने लायक, तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। अब मेरे फेसबुक टाइमलाइन पे देखेंगे तो आप वहां पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखेंगे अलग अलग सिटीज में जहां पर मैंने लाइव किया है। मेरे फेवरेट कुछ जगह रही है होसलेश्वर टेंपल जो है कर्नाटक में बेलारी का, फिर चिन्नकेश्वर मंदिर जो है वो बड़े ही सुंदर हलेबीड़ू में जो मंदिर है होसलेश्वर हलेबीड़ू करके जगह, जहां पर इतनी सुंदर पत्थर में कारीगरी की है, ऑर्नामेंटल टेंपल बोलते हैं उसको, मतलब एक जो मूर्ति है उसमें उसके जो गहने हैं उसके अंदर जो जड़ाई उस लेवल की बारीक काम है। सो बहुत सुंदर सुंदर पूरे देश में जगह देखने को मिली, बहुत सारे लोगों से 10,000 से ज्यादा लोग टोटल ट्रेन कर चुका हूं मैं अब तक, बस अब बॉम्बे वापी और सूरत के लोग ऐड होने बाकी हैं इसमें। सो 20 फरवरी डेट मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर में, शाम को सेशन करेंगे लेट इवनिंग में 6 o'clock के बाद। बाकी सारी जानकारी शेयर करता रहूंगा। या थैंक यू, मंदिर बहुत सारे देखे आपने। कल मैं भीमाशंकर जाने वाला हूं, द्वादश ज्योतिर्लिंग में से महादेव का मंदिर है वो। अच्छा आपको एक चीज बड़ी पता अच्छी लगेगी, पूरे देश में मैक्सिमम मंदिर महादेव के दर्शन कर पाया हूं मैं, ठीक है। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने रास्ते भी शेयर कर रहा था, पूनम जी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। मैं वेल्लोर से जब जा रहा था, नेल्लोर से जब वेल्लोर जा रहा था तो बीच में तिरुपति आता है, तो तिरुपति जब जा रहा था तो उससे पहले बीच में क्या हुआ कि एक शिव मंदिर आता है ना, अरुण पाटिल सर मेरे गुरु सर प्रणाम, जिनसे मैंने इंश्योरेंस में सीखा है, अरुण पाटिल सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फेसबुक लाइव पे। तो सर मैं शेयर कर रहा था और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये कि मैं जब वेल्लोर से नेल्लोर जा रहा था तो बीच में नेल्लोर से वेल्लोर जा रहा था तो बीच में तिरुपति मंदिर आता है तिरुपति, तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं जा ही रहा हूं बीच में आ ही रहा है तो वहां से गुजरते हुए दर्शन करते हुए जाएंगे तिरुपति के। लेकिन तिरुपति जाने से पहले नेल्लोर में एक लड़का आया था कुछ 60 किलोमीटर दूर किसी गांव से, यूट्यूब में वीडियो देखकर वो ट्रेनिंग अटेंड करने नेल्लोर में आया, तो उस जब उसको पता चला कि मैं वेल्लोर जा रहा हूं तो उसने बोला सर रास्ते में मेरा गांव आएगा मुझे ड्रॉप कर देंगे क्या, मैंने बोला हाँ ठीक है, वो बस से आया था तो उसको मैंने साथ में ले लिया। मुस्लिम लड़का था सर, समझ सुनना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुस्लिम लड़का मुझे एक हिंदू मंदिर के बारे में जितनी विस्तार से बता रहा है, ये हमारे देश की खासियत है ना, ये देश की ब्यूटी है, तो मुझे लगा कि उस मंदिर में तो मुझे दर्शन करने ही चाहिए। उस मंदिर की खासियत ये है कि श्री नाम भूल गया हूँ, वायुलिंगम महादेव है वहां पर, वायुलिंगम आप सर्च करेंगे गूगल पे मिलेगा, श्रीपाद हस्ती मंदिर है, ठीक है हाँ, तो वो मंदिर है। तो वहां पर जो शिवलिंग है उसके बारे में ऐसी, उस मंदिर के बारे में राजा कृष्णदेव राय ने उस मंदिर की बनवाया था उस मंदिर को, उस मंदिर के बारे में पाटिल सर ऐसी मान्यता है कि, और जिस मान्यता ने मुझे प्रेरित किया उस मंदिर में दर्शन करने के लिए, कि पूरे भारत में विश्व में जहां पर भी ग्रहण होता है
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो मंदिर को बंद कर दिया जाता है ग्रहण के टाइम पे, और उसके बाद शुद्धि होती है मंदिर की और उसके बाद दर्शन खुलते हैं वापस। लेकिन ये जो मंदिर है ये बंद नहीं होता है ग्रहण के टाइम पे और इसकी शुद्धि नहीं होती है। शुद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि ये परम शुद्ध है, ठीक है। अब उसको, उस परम शुद्ध को कौन शुद्ध करेगा? तो ये चीज मुझे बड़ी अट्रैक्ट की, तो मैंने कहा चलो दर्शन करेंगे। तो वहां दर्शन किए और उसके बाद मैं आगे बढ़ गया, तिरुपति पहुंचा। तिरुपति पहुंचा, वहां पर वो ऊपर पर्वत पे जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर एंट्री पे रोक दिया, पर्वत की चढ़ाई शुरू होने से पहले मुझे रोक दिया पाटिल सर। तो पढ़ाई चढ़ाई शुरू होने से पहले जब मुझे रोक दिया वहां पर, तो मैंने पूछा क्यों रोक दिया भैया जाना? तो बोले नहीं आप इस गाड़ी में नहीं जा सकते, आप स्टिकर लगे हुए, पोस्टर लगे हुए मेरी गाड़ी के ऊपर, तो बोले नहीं ये लगा के आप नहीं जा सकते, तो इनको हटाओ। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तो लगे हैं भैया, और वैसे भी ऊपर टिकट वेटिंग ऐसा था नहीं कि आप तिरुपति गए और दर्शन कर लिया, ऐसा तो था नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तो नहीं जाते, कोई बात नहीं। तो मैं आगे वेल्लोर के लिए निकल गया, थोड़ा मूड खराब था मेरा, करे यार एटलीस्ट ऊपर तो जाने देते दर्शन, नहीं तो कोई बात नहीं। और पाटिल सर तब मुझे एक थोड़ा निराशा थी मुझे, तो मुझे मन में एक रियलाइजेशन हुआ कि रुको कुछ ना कुछ इसके पीछे मैसेज है जिसको मैं शायद पकड़ नहीं पा रहा हूँ। और मैसेज क्या निकला, दो चीजें निकल कर आई। तो मैसेज क्या निकला विनायक जी, मुझे क्या लगा कि पाटिल सर मुझे क्या लगा कि तिरुपति जो है, भगवान तिरुपति बालाजी जो है वो पूरे विश्व के सबसे अमीर धनी भगवान माने जाते हैं ना, सबसे अमीर मंदिर है वो। तो उस रेफरेंस में अगर अपन देखें तो तिरुपति बालाजी HNI हुए, ठीक है, भगवानों में HNI हुए। और मैं क्या सोचकर मिलने के लिए गया था, मंदिर जाने का प्लान करके गया था कि नेल्लोर से वेल्लोर जा रहा हूँ, बीच में तिरुपति मंदिर आएगा, दर्शन करते हुए जाएंगे, है ना। और यहां पर गड़बड़ हो गया, यहां पर क्या गड़बड़ हो गया कि आप HNI से ऐसे मिलने नहीं जा सकते कि इधर से गुजर रहा था सोचा मिलता चलो, ऐसे नहीं जा सकते आप HNI से मिलने कि इधर से सोचा था गुजर रहा था सोचा मिलता चलो। HNI से तो एक्सक्लूसिव अपॉइंटमेंट लेकर प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड होकर और व्यवस्थित रूप से जाना पड़ता है और खाली हाथ भी नहीं जा सकते वहां पे, ठीक है। तो भगवान तिरुपति बोलता है तो सारी दुनिया को सिखाता है कि इधर से गुजर रहा था सोचा मिलता चलो नहीं चलता, और आप ही ऐसा कर रहे हो भैया, अलाउड नहीं है, है ना। तो मैं नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा ओके ये मैसेज है, तो तिरुपति का अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ेगा, तो अगली बार अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे। और फिर वहां पर वेल्लोर में बड़ा लक्ष्मी मंदिर है, गोल्डन टेंपल है लक्ष्मी मंदिर का, तो मैंने बोला चलो पहले लक्ष्मी जी से हालचाल कर लें, भाई उधर दर्शन के लिए सिफारिश करवा देना अगली बार। सो ये कितनी देख मेरा, मुझे ईश्वर की मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, ईश्वर की कृपा है मुझ पर कि प्रेरणा मिलती है कि हर चीज से सीखने को मिलता है, हर चीज से रियलाइजेशन हो सकता है, बस सीखते रहिए आगे बढ़ते रहिए। तो पाटिल सर से हमने ये सीखा। पाटिल सर से एक और चीज सीखी फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, अरुण पाटिल सर वेटरन है इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा नाम है, हम इनको भीष्म पितामह कहते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। पाटिल सर से मैंने एक चीज सीखी, नॉर्मली आप गौर करना, हम किसी से बात करें कौन सी इंडस्ट्री में, अपन कौन सी इंडस्ट्री में, LIC तो कंपनी का नाम है रे, इंश्योरेंस। देखो सर लाइव चीजें यहां पर देख लीजिए, दो लोग बैठे हैं मेरे सामने और 26 साल एक को हुए हैं और एक को तीन पीढ़ियां से इस प्रोफेशन में है, और जब मैंने इनको पूछा कौन सी इंडस्ट्री में है तो बोलते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है। इनको ये पता ही नहीं है कि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नहीं है। आप सच बोलते थे सर, आप सही बोलते थे, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नहीं है, आप लाइफ इंश्योरेंस में है। ये लाइफ को छोड़ देते हैं और इंश्योरेंस करते हैं ना तो लाइफ को टच कर पाते हैं और ना इंश्योरेंस बिकता है। लाइफ, पाटिल सर ने मुझे सिखाया कि लाइफ इंश्योरेंस में पहले लाइफ आता है, लाइफ को टच करना सीखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, इंश्योरेंस विल फॉलो यू, फर्स्ट लर्न हाउ टू टच लाइफ। तो पाटिल सर आपसे जो चीज सीखी है वो मैं आगे सब लोगों को सिखा रहा हूं, है ना, शेयर कर रहा हूं, सिखा नहीं रहा हूं, शेयर कर रहा हूं लोगों के साथ कि लाइफ को टच करिए, इंश्योरेंस विल फॉलो, डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर आप लाइफ को टच करना सीख लेंगे ना तो आप इंश्योरेंस बेचेंगे तो इंश्योरेंस मिलेगा खरीदेगा, पर्दे बेचेंगे तो पर्दे खरीदेगा, पानी बेचेंगे पानी खरीदेगा, हवाई जहाज बेचेंगे हवाई जहाज खरीदेगा। और सर वैशाली की नगर वधु के बारे में चर्चा कर रहा था, वैशाली ने लाइफ को टच करना सीख लिया था, वो फर्नीचर पावर पे नहीं अटकी हुई थी। आज मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं एक्सेप्शन को छोड़ देता हूं जिनकी वजह से एक्चुअली पूरा देश और इंडस्ट्री चल रही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक व्यक्ति जब वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है वो ऐसे चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब आप उसके पास जाते हैं कुछ भी प्रपोजल लेकर या एज ए वेंडर एज ए, तो उसको लगता है मैं तो वाइस प्रेसिडेंट हूं भैया, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, पहले इंसान है यार, पहले इंसान है। तो एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे बात करना है वो जिस दिन भूल जाएंगे उस दिन डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेशन चलने लग जाएगा, और तब वो व्यक्ति भूल जाता है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं और ये एग्जीक्यूटिव है, एक दिन मेरे ऊपर प्रेसिडेंट भी आने वाला है।
तो ये कॉर्पोरेट में गड़बड़ हो गई है, फर्नीचर पावर में लोग ज्यादा फंस गए। मुझे ईश्वर की कृपा से सही समझ सही समय पर समझ में आ गया, गुरुजनों के आशीर्वाद से, पाटिल सर जैसे लोगों के आशीर्वाद से सही समय पर समझ में आ गया और मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा सबसे पहले डेजिग्नेशन हटाओ अपना भैया, ठीक है, सिंपल चीज है, राइट। सो ये कुछ चीजें सीखी है। पूनम जी कह रहे हैं योर एंथुजियाज्म थ्रू आउट योर टूर इज इंडीड कमेंडेबल एंड यू ऑलवेज फाउंड, थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए मेरे सामने अभी भी कुछ लोग बैठे हैं तो इन लोगों से मुझे ऊर्जा मिलती रहती है और मुझे लगता है कि मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि इतने सारे मंदिर जाते हो आप क्या मांगते हो भगवान से। मैंने उन सब लोगों को यही जवाब दिया और मैं बड़े दिल से ये बात बता रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, मैं मंदिर जाता हूँ तो कुछ मांगता नहीं हूँ, मैं हिसाब देने जाता हूँ, मैं रिपोर्ट देने जाता हूँ भगवान को कि तूने भेजा है मुझे, मैं काम ये कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड चेक कर लेना मेरा, मैं मांगने नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी दे दिया ना, और क्या देगा। दो आंखें दे दी जिनमें से एक भी आप देने को तैयार नहीं हो किसी को, ठीक है, दो किडनी दिया, कितना कुछ दिया है, अवसर दिया है मनुष्य के रूप में जन्म लेने का अवसर दिया है आपको, वो बंदर भी बना सकता था, कुत्ता भी बना सकता था, अब इतना सब कुछ दे दिया, अभी और बाकी रह गया मांगना आपका। तो मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि जो देना था उसने दे दिया है, अब मैं जो दिया है उसको कैसे बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता हूं और मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूं और फिर वापस जाता हूं कि देखो तुमने इतना दिया, मैंने उसमें ये ऐड किया है। मैं एंड पाटिल साहब आपके आशीर्वाद से एक और चीज शेयर करूंगा, तीन ऋण होते हैं, ये समीर सर ने बताया था, समीर पारेख सर एक और मेरे गुरु हैं, उन्होंने बताया कि गीता भगवद गीता में तीन ऋण बताए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करता हूं तीन ऋणों को कि देव ऋण आप कब चुकाते हो, जब देवताओं ने आपको जो भी दिया है, वो जो दिया है देवताओं ने उसको आप वैल्यू एडिशन करके ऐड करके वापस जाए, अच्छा ऐड नहीं करें, एटलीस्ट जो कंज्यूम किया है उतना आप वापस करके जाए। उदाहरण के तौर पर आपकी मृत्यु होगी, आपको जलाया जाएगा, ठीक है, तो आप जन्म के से लेकर मृत्यु से पहले पेड़ लगा कर जाएं, जितना आपको काम लगेगा फर्नीचर बनाने में और घर बनाने में और आग जलाने में उतना एटलीस्ट पेड़ आप लगा, क्योंकि देवताओं ने आपको दिया तो वापस देकर जाओ उतना, ठीक है। देवताओं ने आपको पानी फ्री में दिया है तो उसका आप पानी बना नहीं सकते लेकिन बचा तो सकते हो, तो कोई भी देवताओं के द्वारा दी गई चीज को आप नष्ट न करें और कुछ ऐड कर सकने वाली चीजों को ऐड करें तो आपका देव ऋण चुक जाता है। ऋषि ऋण कैसे चुकता है, ऋषि ऋण चुकता है जो भी ज्ञान मिला है आपको अपने ऋषियों से उसमें अभिवृद्धि करके आप अगली जनरेशन को हैंडओवर करके जाएं। तो मैं कोशिश करता हूं कि मुझे जो भी आप गुरुजनों से आशीर्वाद मिला है, ज्ञान मिला है, उसमें मैं मेरा अनुभव ऐड करके, मेरा आस्पेक्ट ऐड करके और फिर मैं आगे की जनरेशन को देकर जाऊं। पितृ ऋण कैसे चुकता है, पितृ ऋण चुकता है आपके पिता से आपको जो भी संपत्ति, मान सम्मान, स्थान मिला है समाज में उसमें अभिवृद्धि करके नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पितृ ऋण नहीं चुकेगा, राइट। अभिवृद्धि करना है संपत्ति में भी, ज्ञान में भी, वो जो सम्मान है समाज में उसमें भी अभिवृद्धि करके जाना पड़ेगा आपको। तो ये मेरे इंटरप्रिटेशन से, मैं गलत हो सकता हूं, तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे प्रेरित करती रहती है कि क्या मैं ऋषि ऋण चुका रहा हूं, क्या मैं मेरे ऋषियों का ऋण चुका रहा हूं, और तो कोशिश करता हूं आप लोगों के आशीर्वाद से। सुजीत जी वेलकम, संजय सीता जी वेलकम। सो मैं साहित्य के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी, बहुत सारी और भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है। संपर्क में रहिए, सफल इंडिया टूर 131 दिन, 131 शहर, 131 ट्रेनिंग के सिर्फ 8 दिन बचे हैं। बॉम्बे में हूँ कुछ दिन और उसके 15 तारीख को बॉम्बे में ओपन सेशन है, बाकी तो प्राइवेट सेशन है सारे। 15 तारीख को दादर में माटुंगा जो जगह है वहाँ पर मैसूर एसोसिएशन हॉल है, शार्प 9:30 बजे सेशन शुरू हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर 1 बजे किसी भी हालत में खत्म बंद कर हॉल खाली कर देना पड़ेगा। सो शार्प 9:30 बजे माटुंगा मैसूर एसोसिएशन ऑडिटोरियम में सेशन होगा मेरा, मिस मत करिएगा, बॉम्बे के लिए बहुत बड़ा अवसर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रेनिंग्स बहुत होती है, मैं सबको बड़े आग्रह से कहूँ ट्रेनिंग्स बहुत की अटेंड की होगी आपने और भविष्य में भी करेंगे, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्टिसिपेट करना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में हिस्सा बनना, ये बार बार चांस नहीं मिलते हैं, इसे मिस मत करिएगा। trainerhimanshu.com पर आपको बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी। 20 फरवरी को सूरत में बहुत बड़ा इवेंट कर रहा हूं मैं, 19 को एडवाइजर्स के लिए और 20 को ओपन सबके लिए रिलेशनशिप के ऊपर, उसे मिस मत करिएगा, बहुत बड़ा अवसर है। सो विद दैट थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स लाइव रहने के लिए, आज का सेशन यहीं पर खत्म करूंगा, कल भीमाशंकर द्वादश ज्योतिर्लिंग से मैं लाइव करूंगा और वहां पर फिर कुछ और चीजें शेयर करेंगे आपके साथ। संपर्क में रहिए, trainerhimanshu.com पर जानकारी मिलेगी, शेयर करिए सबके साथ ये वीडियो,
YouTube पर जो मेरा चैनल है youtube.com/Himanshu Joshi खुद भी सब्सक्राइब करिए, बाकी सबको भी बताइए। वहां पर मैं इस सीरीज के बाद, इस पूरे ट्रिप के बाद वहां से मैं लाइव करना शुरू करूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।